अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, वीडियो नंबर 3 में हम हेलन केलर में आगे का सबक का मुतालिया करेंगे। क्या मुमकिन है कि कोई जंगल में घंटा भर घूमे फिरे और कोई ख़ास चीज़ ना देखे? सैकड़ों दिलचस्प चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं लिंस से पहचान लेती हूँ कि पेड़ों की छालें कैसी होती हैं। मैं मौसमी बहार में टहनियों पर नई कलियाँ ढूँढती हूँ। मुझे फूल की पंखड़ियों को छूने और इनकी बनावट को महसूस करने में बहुत खुशी होती है। मुझे कुदरत की सन्नाई का एहसास होता है। इस आलम में जब कभी मैं किसी पेड़ की टहनी पर हाथ रखती हूँ तो चिड़िया की मीठी आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगती है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते और उसे महसूस करते हुए मुझे बे इंतहा मुसर्रत होती है। बदलते हुए मौसम का समा मेरी ज़िंदगी में नए रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने से इतनी खुशी मिलती है तो इनकी खूबसूरती को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों की आंखें हैं वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग खूबसूरत रंग इनके एहसास को नहीं छूते। इंसान अपनी सलाहियतों की कभी कद्र नहीं करता। वो हमेशा इस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। ये कितने दुख की बात है कि आँखों की नेमत को लोग हकीर समझते हैं, जबकि इस नेमत के ज़रिए ज़िंदगी की खुशियों को कौ से कज़ा की तरह रंगीन बनाया जा सकता है।